हेलो गाइस, तो आज के वीडियो में भी बहुत सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है फ्री फायर स्पोर्ट कम्युनिटी से रिलेटेड। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आप फ्री फायर स्पोर्ट कम्युनिटी से अपडेटेड रहोगे। और साथ ही में गाइस, मैंने कल बोला था यार गाइस, हमारे 19 के कर दो, 500 सब्सक्राइबर चाहिए थे। और गाइस आप आसानी से कर दिए, मेरे को पता था आप कर दोगे आसानी से और कर भी दे, उसके लिए गाइस थैंक यू। तो गाइस मैं आज नहीं बोलूंगा भाई सब्सक्राइब करो, जिनको करना होगा वो करेंगे, जिनको नहीं करना होगा वो नहीं करेंगे, ठीक है गाइस। तो गाइस चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। तो गाइस आज का सबसे पहला अपडेट है हमारे बारका बॉय के बारे में। तो गाइस बारका बॉय ने अपने जो NBA स्पोर्ट टीम है वो अभी छोड़ दिए, लेफ्ट कर दिए, क्योंकि गाइस NBA स्पोर्ट का जो ऑफिशियल चैनल है उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला था, उधर जैसी कि गाइस स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा, बारका बॉय हैज लेफ्ट द स्क्वाड एंड विल प्लेइंग विद अनदर स्क्वाड। मतलब गाइस उन्होंने दूसरी कोई तो नई टीम ज्वाइन कर ली है, तो अब कौन सी की वो मेरे को पता नहीं एग्जैक्टली, लेकिन जैसे ही पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा। तो गाइस हमारा नेक्स्ट अपडेट है अपने FFIC के टॉप 3 फ्रैगर्स के बारे में। तो गाइस जैसे कि मैं स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, अपने टॉप 3 फ्रैगर में सबसे पहले नंबर पे हमारे TSM के ओल्ड मॉन्क है। तो गाइस उन्होंने 77 किल किए लगभग। सेकेंड नंबर पे हमारे PVS गेमिंग के इको है, उन्होंने भी 67 किल किए। थर्ड नंबर पे हमारे ब्लाइंड स्पोर्ट के निवेश है, उन्होंने भी 65 किल किए। मतलब गाइस यार ओल्ड मॉन्क ने बहुत ओपी उनके तरफ से दिया, हालांकि उनका टीम का इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, लेकिन ओल्ड मॉन्क ने उनकी तरफ से पूरा बेच दिया, 77 किल्स निकाले। तो गाइज ओल्ड मॉन्क के लिए हैशटैग ओपी लगा दो, ठीक है गाइज। तो गाइज हमारा नेक्स्ट अपडेट अपने 4UN1 के बारे में। तो गाइज 4UN1 का जो मैटर हुआ पूरा, उसके ऊपर भी हमारे स्पोर्ट्स के ने एक आर्टिकल डाला है, अगर उसको आपको पढ़ना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइज हमारा नेक्स्ट अपडेट है अपने पहाड़ी गेमिंग की तरफ से। तो गाइज आपको पता है पहाड़ी गेमिंग 10-11 मंथ पहले एक का वीडियो हुआ था लीक स्मोकिंग करते हुए, और वो वीडियो मतलब बहुत बंदों देखा और बहुत बंदे मेरे को पूछते भी ये क्या है भाई पहाड़ी गेमिंग स्मोकिंग कर रहे। और गाइज उसके ऊपर उनको एक बंदे ने कल लाइव स्ट्रीम पे पूछा, तो उस पे के बारे में उन्होंने क्या बताया आप खुद देख लो भाई। स्मोक वाला क्या सीन है यार, ये बहुत करीबन एक साल पहले, एक डेढ़ साल पहले CRX में ऐसा कुछ सीन हुआ था। मतलब मेरा कैमरा चालू हो गया था और मेरे हाथ में कुछ था ऐसा, वो छोड़ो यार तुम, मतलब बहुत पुरानी बात है यार, अब तुम बार बार एक चीज बोलते रहते हैं, हद होती है यार, चुप हो जाओ यार। तो गाइज हमारा नेक्स्ट अपडेट बहुत ही ओपी है, तो सबसे पहले आप एक क्लिप देख लो, तो उसके बाद मैं बताता हूं एग्जैक्टली क्या हुआ। केरला के दो खिलाड़ी नॉकआउट हो चुके हैं, तीन खिलाड़ी नॉकआउट हो चुके हैं, जियान के पास स्नाइपर बिल्कुल अकेले, जियान के एक खिलाड़ी और दो खिलाड़ी डाउन। ओ भाई, ओ तो गाइस देखा आपने मैंने क्यों कहा था बहुत ओपी अपडेट है। तो गाइस अपडेट नहीं था, बेसिकली एक टूर्नामेंट का क्लच था, लेकिन गाइस बहुत ओपी था, जिया ने निकाला शॉर्ट रेंज में 1v3 यार गाइस बहुत ओपी, मेरे को बहुत पसंद आया, और रॉकी भाई के रिएक्शन देखने लायक थे यार, बहुत मजा आ गया मेरे को। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताओ। तो गाइस हमारा नेक्स्ट अपडेट है अपने टीम इलाइट के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो गाइस आपको पता है टीम इलाइट का कौन सा तो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने वाली, लेकिन वो कब ज्वाइन करने वाली इसके बारे में अपने पहाड़ी गेमिंग ने बताया, तो क्या कहा आप खुद देख लो। और अनाउंस मे बी इस मंथ के एंड में हो जाएगा, दिवाली से पहले पहले हो जाएगा, टेंशन मत लो यार। तो गाइस जैसे कि आपने देखा हमारे पहाड़ी गेमिंग ने कहा दिवाली से पहले पहले हो जाएगा ऑर्ग अनाउंसमेंट, और मतलब आपको इस मंथ के एंडिंग में भी देखने को मिल सकता है, मेरे हिसाब से दिवाली के एक दिन पहले देखने को मिल सकता है, ठीक है गाइस। तो गाइस हमारा नेक्स्ट अपडेट है अपने 4UN1 की डेड सोल की तरफ से। तो गाइस आपको पता है 4UN1 के डेड सोल ने कल अपने चैनल पर एक वीडियो डाला था, उसमें बताया उन्होंने उनके साथ ऐसा ऐसा सीन हुआ, लेकिन गाइस उधर उन्होंने कोई भी प्रूफ नहीं दिखाया। उसके साथ उन्होंने एक और गलती कही, उन्होंने वीडियो के बीच में बहुत सारे इंटरवल भी डाले, वो भी उनको नहीं डालने थे, उस वजह से उनके साइड से झूठा साबित होते हैं वो। मतलब अभी उन्होंने बोला था वीडियो में कि भाई मैं प्रूफ दिखाऊंगा एक, तो उन्होंने प्रूफ भी नहीं दिखाया मेन चीज़। तो गाइज उनको प्रूफ दिखाने चाहिए थे, और उसी के साथ गाइज अगर वो बोले कि मैं कैश लेके गया, तो कैश निकाला हुआ तो प्रूफ होगा उनके पास, तो वो भी दिखाना चाहिए था उनको। मैं तो बोलता हूँ यार गाइज इन्होंने मतलब कुछ प्रूफ नहीं दिखाया, उस वजह से उनको ऊपर ही उनका वीडियो भारी पड़ा ऐसा मेरे को लग रहा है। और गाइज 4UN1 को 150 का यार अभी भी प्रूफ दिखाने चाहिए उनको, अभी भी उनके पास टाइम ही नहीं क्या, मतलब उनका ही नाम खराब हो रहा है उससे। अगर वो प्रूफ दिखा दे, सच में साबित कर दे, तो उनको ऊपर भी कुछ एलिगेशन नहीं लगने वाले। 33 लाख का स्कैम हुआ है, मतलब गाइज यार समझ सकते हो गाइज। लेकिन गाइज मैं और एक चीज़ बता देता हूँ कि मतलब देखो अगर 4UN1 ने पुलिस केस कर दे जो उनके ये है, तो गाइज उधर भी उनको मतलब उनके ऊपर रिस्क है 150 के ऊपर, तो अभी जो है क्लियर करना चाहिए उनको फास्ट
स्टे फास्ट और उन ये मैटर सब सोल्व करना चाहिए, क्योंकि देखो गाइस इतनी बड़ी हमारी फ्री फायर स्पोर्ट कम्युनिटी है, उसमें ऐसे मैटर चलेंगे अच्छा नहीं लगता, ठीक है गाइस। तो उस वजह से मैं बोल रहा हूँ। तो गाइस इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ गाइस, इसको मेरी साइड से मैं देखूँ तो कौन सही है और कौन गलत, तो गाइस अभी के प्रूफ के हिसाब से अभी तो अपने फोर रनर के आनंद स्वास्तिक मतलब उनकी जो आधी टीम है वही सही दिख रहे, लेकिन अगर 150 प्रूफ दिखा दे तो हमको भी पता चले एग्जैक्टली क्या सीन है, क्या मैटर है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी बता नहीं सकते एग्जैक्टली भाई कौन सोचे भाई, 150 ने तो प्रूफ भी नहीं दिखाई, लेकिन जो प्रूफ अपने स्वास्तिक और आनंद ने दिखाई उससे यही साबित होता है भाई अपने स्वास्तिक और आनंद सही है और 150 थोड़े गलत है। तो गाइस हमारा नेक्स्ट अपडेट है दिवाली ऑल स्टार टूर्नामेंट के बारे में। तो गाइस दिवाली ऑल स्टार टूर्नामेंट का अनाउंसमेंट करीना ने कल ही कर दिया था अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे। तो गाइस मैं आपको बता दूं ये टूर्नामेंट 30 और 31 अक्टूबर को होने वाला है। बेसिकली ये टूर्नामेंट आपके इंजॉयमेंट के लिए है और गाइस ये दो ही होगा। तो गाइस डे वन में क्या होगा शेड्यूल में आपको बता देता हूँ, कैसे मैचेस होंगे, कैसा रोड मैप होगा। तो गाइस डे वन में होगा हमारे 11 इन्फ्लुएंसर जो फीमेल होंगी और उनके मैचेस होंगे बैटल रॉयल में मेरे से, क्योंकि उधर लिखा है BO4 बैटल रॉयल स्क्वाड। और गाइस उधर उसमें से डे वन में से जो टॉप टू टीम्स होंगी वो जाएंगी डे टू में, और डे टू में टॉप टू टीम्स खेलेंगे, उसके साथ अपने 6 कम्युनिटी के इन्फ्लुएंसर खेलेंगे जो हमको चूज करने पड़ेंगे। उसी के साथ टॉप FFIC की 4 टीम्स होंगी, जो FFIC में हुआ था उसमें जो टॉप 4 टीम्स आएंगी वो भी खेलेंगे उधर, और इनके बीच में गाइस मेरे हिसाब से 6 मैचेस खेले जाएंगे बैटल रॉयल के, उसमें से जो सबसे ज़्यादा पॉइंट करेंगे वो बनेंगे अपना विनर अपने एशिया ऑल स्टार टूर्नामेंट का, एशिया ऑल स्टार नहीं अपना ऑल स्टार टूर्नामेंट का, मैं क्या ही बोल रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो और गाइस मैं आपको बता दूँ ये टूर्नामेंट देखने में तो मज़ा आने वाला है, क्योंकि यूट्यूबर्स मतलब इन्फ्लुएंसर होने वाले तो और भी मज़ा आएगा। तो देखते हैं गाइस इस टूर्नामेंट में कौन परफॉर्मेंस मचाता है, और गाइस इसके ऊपर और भी डिटेल्स में आपको मिलती है मेरे को तो मैं आपको बता दूंगा प्राइस पूल वगैरह बाकी सब चीजें, ठीक है गाइस। तो गाइस आज के वीडियो में इतनी अपडेट्स थी, अपडेट्स आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, बोलूंगा नहीं तो आपको करना है तो करो। तो बाय बाय गाइस।